हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल, माई सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज आंसर्स ऑफ लेसन 6 एंड लेसन नेम इज मोर ऑन HTML 5। सी, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट यूज्ड विद द IMG टैग, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट IMG टैग के साथ प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए SRC, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी हाइट, ऑप्शन डी बॉर्डर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ हाइलाइटेड टेक्स्ट और इमेज व्हिच व्हेन क्लिक्ड टेक्स्ट टू एनोदर वेब पेज, मीन्स यह एक प्रकार का हाइलाइटेड टेक्स्ट या इमेज है जो इस पर क्लिक करने पर दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। इसे कहते हैं ऑप्शन ए एंकर, ऑप्शन बी टैग, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी टेबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म एलिमेंट इन HTML, मींस निम्नलिखित में से कौन एक फॉर्म एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन ए सेलेक्ट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन डी IMG। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IMG टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड इन इंटरनल लिंकिंग, मींस निम्नलिखित में से कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है इंटरनल लिंकिंग में। ऑप्शन ए नेम, ऑप्शन बी HREF, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, मींस इंटरनल लिंकिंग के लिए नेम और HREF दोनों एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स इज यूज टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द फ्रेम ऑन द वेब पेज, मींस इनमें से कौन से एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है एक फ्रेम का हाइट स्पेसिफाई करने के लिए वेब पेज पर। ऑप्शन ए हाइट, ऑप्शन बी विड्थ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी रीसाइज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइट। सी, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट कलर ऑफ द विजिटेड लिंक इज ब्लू, मीन्स जो विजिटेड लिंक होते हैं उनका डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है। ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज इन अ वेब पेज, मीन्स हम वेब पेज पर एक इमेज के हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। ये फॉल्स है क्योंकि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNG इमेज फाइल फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल इंक ग्रुप, मीन्स PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल इंक ग्रुप। ये फॉल्स है क्योंकि PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया टैग इज यूज टू क्रिएट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स दैट कैन एक्सेप्ट लॉन्ग वैल्यूज, मीन्स टेक्स्ट एरिया टैग का यूज किया जाता है मल्टी लाइन बॉक्स को क्रिएट करने के लिए जो लॉन्ग टेक्स्ट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये है ट्रू। नेक्स्ट, फॉर्म टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द फॉर्म बाउंड्री ऑन द वेब पेज, मींस फॉर्म टैग का यूज किया जाता है वेब पेज पर फॉर्म बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। ये ट्रू है। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, अ लिंक दैट कनेक्ट्स टू Another place on the same web page is called, means वह लिंक जो वेब पेज के एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करता है उसे कहते हैं इंटरनल लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग इज यूज टू लिंक टू वेब पेजेस, मीन्स वह टैग जिसका प्रयोग किया जाता है दो वेब पेज को लिंक करने के लिए। तो इसका आंसर है ए टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग With the option tag allow us to create a drop down list, means वह tag जो
ऑप्शन टैग के साथ अलाउ करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसका आंसर है सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैग इज यूज टू क्रिएट द फॉर्म बाउंड्री ऑन द वेब पेज, मीन्स वह टैग जिसका प्रयोग किया जाता है वेब पेज पर फॉर्म बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। तो इसका आंसर है फॉर्म टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैग इज यूज टू क्रिएट द कंट्रोल्स और फील्ड्स टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट सेलेक्शन एंड क्लिक, मीन्स वह टैग जिसका यूज किया जाता है वेब पेज पर कंट्रोल या फील्ड क्रिएट करने के लिए, जिससे यूजर के द्वारा इनपुट एक्सेप्ट हो सके टेक्स्ट के फॉर्मेट में या सेलेक्शन के फॉर्मेट में या क्लिक के रूप में। तो यह टैग है इनपुट टैग। सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एचआरईएफ स्टैंड फॉर, मींस एचआरईएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लिंक एट्रीब्यूट, ए लिंक एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है। आंसर, ए लिंक इज यूज टू सेट द स्टाइल फॉर एन अनविजिटेड लिंक, मींस ए लिंक एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है अनविजिटेड लिंक के लिए स्टाइल सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्रेम्स, फ्रेम्स को डिफाइन करिए। फ्रेम्स आर द डिफरेंट सेक्शंस आर पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज, मीन्स फ्रेम क्या है, एक वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स है या सेक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग, ओके जो img टैग है उसमें बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज क्या है। आंसर, बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट बॉर्डर ऑफ द इमेज, ओके img टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है इमेज का बॉर्डर सेट करने के लिए। सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द फ्लोइंग एट्रीब्यूट्स इन html, मींस html में इन एट्रीब्यूट्स का पर्पस एक्सप्लेन करिए। तो देखिए, फर्स्ट है एक्शन, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द एक्शन दैट विल टेक प्लेस व्हेन वी सबमिट द फॉर्म वैल्यूज, मींस यह जो एट्रीब्यूट है वो यह स्पेसिफाई करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा जब हम फॉर्म वैल्यू को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है मेथड, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मेथड फॉर्म विल यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यूज इंटर्ड इन टू फॉर्म फील्ड, मीन्स यह एट्रीब्यूट यह स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म कौन से मेथड का यूज करेगा उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए जो फॉर्म फील्ड में इंटर की गई हैं। नेक्स्ट है टाइप, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फील्ड वी वांट टू क्रिएट, ओके मींस यह एट्रीब्यूट यह स्पेसिफाई करता है कि हम किस तरह का फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। इट टेक्स वन ऑफ द प्रीडिफाइंड वैल्यूज, ओके और ये प्रीडिफाइंड वैल्यूज में से एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। सी नेक्स्ट, डिफाइन एनी टू एट्रीब्यूट्स यूज्ड विद द img टैग, ओके img टैग के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स में से दो को डिफाइन करिए। ओके तो टोटल देखिए फोर एट्रीब्यूट्स हैं जो img टैग के साथ यूज में आते हैं। फर्स्ट है src, सेकंड width, थर्ड height और फोर्थ है alt। देखिए फर्स्ट एट्रीब्यूट src, इट स्पेसिफाइज द सोर्स और url ऑफ द इमेज दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन द वेब पेज, मींस यह उस इमेज का url या सोर्स स्पेसिफाई करता है जो आप वेब पेज पर इंसर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है width, इट स्पेसिफाइज द width ऑफ द इमेज इन द वेब पेज, ओके वेब पेज पर इमेज की width को स्पेसिफाई करता है यह एट्रीब्यूट, ओके और इसका एग्जाम्पल है इस तरह से, ओके नेक्स्ट, डिस्क्राइब ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फ्रेम टैग, ओके फ्रेम टैग के सभी एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करिए। तो देखिए फर्स्ट है src, जो कि url जो वेब पेज होता है उसके
URL को स्पेसिफाई करता है, और सेकंड है जो कि फ्रेम के हाइट को स्पेसिफाई करता है, और थर्ड है जो कि फ्रेम के विड्थ को स्पेसिफाई करता है, ओके। और नेक्स्ट है नेम, ओके, ये फ्रेम के नेम को स्पेसिफाई करता है, ओके। देखिए नेक्स्ट, राइट HTML कोड टू एड IDEO इन अ वेब पेज, ओके। एक वेब पेज में IDEO इंसर्ट करने के लिए कोड राइट करिए, ओके। तो यह देखिए, इस तरह से आप IDEO टैग का यूज करके एक IDEO को इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेज में। सी नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, सुनील वांट्स टू डिवाइड हिज वेब पेज इनटू 3 columns, ओके। सुनील अपने वेब पेज को 3 columns में डिवाइड करना चाहता है, विच HTML टैग ही यूज फॉर दिस पर्पज, ओके। तो इस पर्पज के लिए वो कौन से HTML के टैग का यूज कर सकता है, तो इसका आंसर है iframe। नेक्स्ट, संजय इज क्रिएटिंग अ वेब पेज वेयर इन ही नीड्स टू इंसर्ट सम मूविंग टेक्स्ट, कैन ही डू सो, इफ एस देन व्हिच टैग डज ही नीड टू यूज फॉर दिस, ओके। संजय वेब पेज में कुछ ऐसे टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहता है जो मूव करते हो, ओके। तो क्या वो ऐसा कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, इसके लिए उसे यूज करना होगा मार्क्यू टैग का, ओके। देखिए, सॉल्व द क्रॉसवर्ड, ओके। तो क्रॉसवर्ड का मैंने यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है, फर्स्ट है SRC, सेकेंड एक्टिव, थर्ड ALT, फोर्थ IMG, फिफ्थ विजिटेड, सिक्स्थ है इंटरलिंकिंग, और सेवेंथ है टारगेट, ओके। तो आप इन आंसर्स को राइट कर लीजिए, ओके क्लास। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।